नमस्कार, जनगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए स्थान चुनने की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद नरेश मीणा को ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं ऑनलाइन कोर्ट में पेशी के बाद जानकारी दी गई है कि नरेश मीणा को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि हमें ये भी नहीं पता कि नरेश मीणा कहाँ है और किस हाल में है। हमें नरेश मीणा से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही परिजनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली के समरावतक में भयानक बवाल हुआ। SDM अमित कुमार को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई तो समरावताओं में खूब हिंसा हुई। इस घटना में काफी संख्या में लोग घायल हुए जबकि लोगों को भारी क्षति हुई है। वहीं इस मामले में सचिन पायलट ने बयान दिया है। वहीं सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार से घायलों के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही सचिन पायलट ने सरकार को कहा है कि चुनाव के बाद इतनी बड़ी घटना होना दर्शाता है कि सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में उनके समर्थक जयपुर कोटा हाईवे पर जमा होने लगे। अपने नेता की रिहाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे उनके समर्थक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने की योजना बना रहे थे, मगर पुलिस और प्रशासन ने तत्काल समझाइश कर उन्हें मना लिया। हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। STF, RAS, टोंक पुलिस लाइन और देवली सर्किल के सभी थानों के जाब्ते को देवली बुलाया गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने जयपुर परकोटे में बम होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर बम रखे होने की सूचना दी गई। इस धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सर्च के दौरान विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस फोन नंबर के आधार पर झूठी सूचना देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। अक्टूबर महीने के अंत तक देश में 400 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हालांकि इनमें से कोई भी सूचना सही नहीं पाई गई। वहीं जयपुर और जोधपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की भी लगातार धमकी दी जा रही है। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद विरोध में उतरे RAS अधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। RAS एसोसिएशन की बैठक में पेन डाउन हड़ताल खत्म करने का निर्णय हुआ। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट समेत एसोसिएशन की तमाम मांगों को लेकर समन्वय समिति का गठन भी किया गया। इससे पहले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शुक्रवार 9 बजे CM हाउस में मुलाकात की थी। CM ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया, इसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। शुक्रवार दोपहर टोंक कलेक्टर सौम्या झा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि SDM को थप्पड़ मारने के तुरंत बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। टोंक कलेक्टर ने बताया कि जब SDM को थप्पड़ मारा गया उस वक्त पोल प्रक्रिया जारी थी और नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार थे। मतदान पूरा होने तक किसी भी कैंडिडेट को अरेस्ट करने से पुलिस प्रशासन बचता है, क्योंकि उस दिन प्रचार प्रसार करने का उनका पूरा हक होता है। हम नरेश मीणा से उनका वो हक छीनना नहीं चाहते थे। हमें ये भी जानकारी मिली थी कि नरेश मीणा के साथ जो समर्थक बैठे हैं उनमें से ज्यादातर बाहर के हैं। एक तरह से ये ट्रैप था। उनकी प्लानिंग थी कि प्रशासन की तरफ से कोई भी रिएक्शन मिले और वे फिर बूथ पर हमला करें, लेकिन हमने संयम रखकर उस ट्रैप में खुद को गिरने नहीं दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने ST/SC एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कुछ शब्दों को जाति सूचक श्रेणी से हटा दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी और भंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। ये पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कार्मिकों से बहस से जुड़ा है, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ ST/SC एक्ट की धाराओं को हटा दिया गया है। दुनिया भर में फेमस पुष्कर मेले का आज आखिरी दिन है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर महास्नान के साथ पशु मेले का समापन हो जाता है। आज के दिन करोड़ों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। इस अवसर पर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया है, जो हर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हनुमानगढ़ जिले में चिट्टे और मेडिकल के बढ़ते नशे से लगातार युवाओं की हो रही मौतों से आक्रोशित ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 गांवों शेरेका, सलेमगढ़, मसानी और कमरानी के ग्रामीणों ने बैठक की और नशे के खिलाफ कमेटी का गठन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नशे से लगातार युवाओं की मौतें हो रही है और इन 4 गांवों में ही युवा नशे की भेंट चढ़ चुके हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि कमेटी नशा बेचने वालों से एक बार समझाइश करेगी और इसके बाद कमेटी ग्रामीण को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।
हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 54 सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में निर्मित भटनेर पार्क का लोकार्पण आज विधायक प्रतिनिधि संतोष बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा और प्राइवेट वैक एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय वैक वार्ड पार्षद सुनील अमलानी की ओर से किया गया। नगर परिषद की ओर से करीब 20 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण करवाया गया है। वार्ड पार्षद सुनील अमलानी के अनुसार विधायक गणेश राज बंसल के नेतृत्व में वार्ड 54 में करीब 7.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो चुके हैं। शेष 15 से 20 लाख रुपए के कार्य भी जल्द पूर्ण करवा दिए जाएंगे। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।